नमस्कार मैं स्वागत करता हूं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री मनसुख मांडविया जी मिनिस्टर ऑफ़ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसके बारे में हमें ब्रीफ करें सर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई और इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए सबसे बड़ा निर्णय है इथेनॉल का इथेनॉल का उत्पादन बढ़े और ज़्यादा चीनी उत्पादन की समस्या का हल निकले इसलिए एक बहुत ही नई अच्छी स्कीम लाई है जिसकी जानकारी धर्मेंद्र प्रधान जी देंगे दूसरे निर्णय में पारादीप बंदरगाह उसमें बड़े बड़े जहाज आने की पर्याप्त व्यवस्था पीपीटी और बीओटी तत्वों पर होना यह भी निर्णय हुआ है उसकी जानकारी मांडविया जी देंगे दो निर्णयों की जानकारी केवल मैं दूंगा देश में जो औद्योगिक विकास हो रहा है उसमें औद्योगिक शहरों का विकास होने सिरे से खास करके फ्रेड कॉरिडोर दो बन रहे हैं जिसमें माल ढुलाई बहुत अच्छी तरीके से होगी तो जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेस वेज है जहां बंदरगाह है जहां रेलवे की बड़ी सुविधा है और जहां एयरपोर्ट भी है ऐसे जगह औद्योगिक शहरों का और क्षेत्रों का विकास करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है तो 7,725 करोड़ के लागत से और जिससे लगभग तीन लाख रोजगार पैदा होंगे ऐसी योजना को आज मंजूरी मिली है कृष्णपट्टनम जो बंदरगाह है पूर्व में वहाँ दो करोड़ के लागत से ये औद्योगिक प्रक्षेत्र का विकास होगा तुमकुर में 1701 करोड़ के लागत से कर्नाटक में है ये इंडस्ट्रियल चेन्नई बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है चेन्नई बंगलोर के बीच में जो सारा इंडस्ट्री का विकास होना है उसके ये दो महत्वपूर्ण आधार है तो कृष्णपट्टनम में 1701 करोड़ की लागत से होगा और कृष्णपट्टनम में जहां 98,000 रोजगार क्षमता है वहां तुमकुर में 88,500 रोजगार बढ़ने का अनुमान है तीसरा दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जोन तैयार करने की योजना है दादरी के पास बोरा की रेलवे स्टेशन है तो वहां यह मल्टी रोड ट्रांसपोर्ट हब और एक लॉजिस्टिक हब तैयार होगा और इसके लिए तीन हजार थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी थ्री करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट होगी इसमें कल्पना यह है कि लैंड पार्सल विकसित रूप से पूरे उद्योगों के लिए जैसे लैंड चाहिए वैसी ज़मीन यहाँ मिलेगी वहाँ नए उद्योग आएंगे नए औद्योगिक शहर एक तरह से तैयार होगा जो सस्टेनेबल भी होगा और एक ग्लोबल ग्लोबल वैल्यू चेन का ये हिस्सा होगा इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना होगी और कल्पना ये है कि इसी आर्थिक वर्ष में उनको पैसे भेजे जाएंगे ये जो एस है ये राज्य और केंद्र सरकार की मिलकर बनती है और ये जो करेंगे इससे देश के औद्योगिक विकास को एक बहुत अधिक गति मिलेगी विदेशों से जो निवेश आ रहा है नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं उनको ऐसे ही जगह चाहिए उद्योग के लिए कि जो उद्योग रेलवे भी नज़दीक हो एक्सप्रेस वे भी नज़दीक हो पोर्ट एयरपोर्ट की फैसिलिटी हो एक जगह बड़े बड़े गोडाउंस हो वहाँ से सीधे जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँच जा सकता है और माल ढुलाई अच्छी होगी फ्रेड कॉरिडोर होगा तो ये जो सब सुविधाएं जहाँ हैं वही नए औद्योगिक विकास हो ये इसकी कल्पना है और इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है एक दूसरे निर्णय में ये तीन देशों में नए एम्बसीज तैयार करने का मिशंस तैयार करने का निर्णय किया है आपको पता है मोदी जी ने सभी देशों के साथ अच्छे संबंध की हमेशा पैरवी की है और उन्होंने हमें मंत्री को भी एक काम में लगाया था कि जहां सत्तर साल में किस कुछ देश ऐसे थे कि जहां कोई मंत्री नहीं गया था वहां सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई और वहां जाके आए अब ऐसा एक भी दुनिया में देश नहीं कि जहां भारत का मंत्री कहीं नहीं पहुंचा है तो एक संबंधों को प्रगाढ़ करने की जो उनकी भावना है उसके अनुसार है और इसलिए जहाँ मिशंस नहीं है वो मिशंस आज इस्टोनिया डेनमार्क से आते हैं तब लगता है रूस का अंतिम हिस्सा है तो उसके आगे है ये इस्टोनिया देश है पाराग्रे है और डोमिनिक डोमिनिकन रिपब्लिक है तो ये तीन देशों में ये तीन मिशंस भारत के जाएंगे और इससे ज़्यादा व्यापार ज़्यादा मानवीय सारे कल्चरल सांस्कृतिक संबंध और बाकी एक दूसरे के बहुत सारे आदान प्रदान ये काम बढ़ेगा इससे दोनों देशों को फायदा होगा तीसरा एक आखिरी विषय है कि इंडिया और भूटान के दरमियान जो सैटेलाइट गए हैं जो आउटर स्पेस है उसके बारे में एक सहयोग का एम हुआ है वो उसका भी प्रेस रिलीज दे रहा है टेक्निकल है थोड़ा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है अहम है हमारा पड़ोसी राज्य है तो ये आज के निर्णय है अब धर्मेंद्र प्रधान जी जो बड़ा फैसला है इथेनॉल का उत्पादन बढ़े और ज़्यादा शक्कर उत्पादन से निर्माण होने वाली समस्या का हल निकले इसके लिए एक निर्णय है धर्मेंद्र प्रधान जैसे कि प्रकाश जी ने बताया सरकार ने आज एक इथेनॉल के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है पिछले 18-19 ये दो साल में अनेक निर्णय उसी दिशा में किया गया आज उसी दिशा में और एक कदम उठाया गया मित्रों देश में सुगार जूस सुगार से आगे सुगार बनाने में जो मोलाइस उपलब्ध होता है उसी से एथेनॉल बनती थी अटल जी ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ईबीपी प्रोग्राम शुरू किया था लेकिन जब अटल जी की शासन की समय खत्म हो गई उसके बाद यूपीए ने इस आत्मनिर्भर वाले रूट को छोड़ के उसको एक प्रकार से नगण्य स्थिति में छोड़ दिया जब तेरह चौदह में हम लोग जिम्मेवारी संभाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेवारी संभाली तब उसी साल एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में सिर्फ 38 करोड़ लीटर इथनॉल आ पाती थी और उसी साल उसकी प्राइस थी लगभग उनतालीस से लेके पैंतालीस रुपया तक देश में एथनॉल को प्राधान्य दिया जाए हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी घटे किसानों की आमदनी दुगुनी हो उसमें एथनॉल एक बड़ी फैक्टर बने इसीलिए मोदी सरकार ने कंटिन्यूसली अनेक कदम उठाए हैं आज उस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है देश में आज एथेनॉल बनाने की कैपेसिटी छह करोड़ लीटर है आज हमारी एथनॉल बोर्ड बढ़ के अड़तीस करोड़ लीटर से बीते 19 बीस सुगारियर दिसंबर तक सुगारियर होती है नवंबर एंड तक होती है, 19 दिसंबर से 20 नवंबर तक एक सेवेंटी करोड़ लीटर हमने एथेनॉल प्रोक्योरमेंट किया है जो आने वाले दिनों में हमारे जो 2030 तक देश की आवश्यकता की पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है देश की आवश्यकता की 20 परसेंट तक एथेनॉल ब्लेंड करने में एक हज़ार करोड़ लीटर एथेनॉल आवश्यकता होगी एक हज़ार करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने के लिए हमारी एथेनॉल बनाने के लिए रॉ मटेरियल और कैपेसिटी दोनों को बढ़ाना पड़ेगा पहले सुगार से ही सिर्फ एथनॉल बनती थी सरकार ने इन दिनों में राइस मेज उनसे भी एथनॉल बनाने का अनुमति दे दिया है जिसके कारण इस बार एवरेज हमारी आवश्यकता की लगभग नौ परसेंट हम ब्लेंड कर पाएंगे इसी साल तीन सौ पच्चीस करोड़ लीटर की पिछले 20-25 दिनों में दिसंबर एक से जो नया सेशन शुरू हुआ सुगार ईयर ईयर उसमें से हमने 325 करोड़ लीटर की एश्योरेंस हमको मिल चुका है हमारी टेंडर सफलता 325 करोड़ लीटर में हो गया है इसको आने वाले दिनों में एक हजार करोड़ लीटर तक ले जाने के लिए आज सरकार ने जो लोग नया डिस्टिलरी लगाएंगे जो नया स्टांडेलोन डिस्टिलरी लगाएंगे मोलास के लिए हो या ग्रेन बेस्ड हो उसमें छह प्रतिशत तक या लोन अमाउंट की फिफ्टी परसेंट जो सबसे उसके नीचे हो गए और एक साल की इंटरेस्ट देने लोन रीपे की मोराटोरियम के साथ आज सरकार ने कुल मिला के इसमें से आने वाले दस साल में चालीस हजार करोड़ रुपया की नया निवेश होने से कुछ निवेश हो गया है और कुछ निवेश होकर चालीस हजार करोड़ रुपया की नया निवेश होने से हमारी कैपेसिटी को लगभग 1750 करोड़ लीटर तक ले लिया जाएगा उसमें ज्यादातर हम पेट्रोलियम सेक्टर में खरीद लेंगे ई प्रोग्राम में उसके लिए सरकार ने 8460 करोड़ रुपया की इंटरेस्ट सबेंशन स्कीम की जिम्मेवारी लिया है जिसमें से 400 जिसमें से ऑलरेडी 400 चार हजार छह सौ सतासी करोड़ रुपया ऑलरेडी अप्रूव पिछले दिनों में कर लिया गया था आज चार हजार पांच सौ तिहत्तर रुपया की फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी थ्री करोड़ रुपीज की आज सैंक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो आज कैबिनेट बैठी उसने उनको सैंक्शन किया उसके कारण मित्र भारत में हमारी जो पहल रही है इस बार बजट में ऊर्जा खेती की कल्पना किया गया था हमारी किसानों की आमदनी को हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी घटाने में एनर्जी इंडिपेंडेंसी कन्वर्ट करने में इम्पोर्ट सब्सिट्यूट के नाते हमारी फॉरेन एक्सचेंज कम खर्चा हो हमारी किसानों की उप जो एथेनॉल हमारी सी है भी, बी भी है शुगर भी, केन जूस डैमेज फूड ग्रेन ये सब जो कैटेगरी हमारी एथोनॉल की थी जिसमें एवरेज पर लीटर 53 रुपीस था कहाँ कभी उनचालीस चालीस रुपया था आज वो फिफ्टी थ्री रुपीज था और जो अभी का चालू शुगर ईयर हो रहा है बीस और इसमें से इसको फिर बढ़ा के फिफ्टी एट रुपीज तक करवा दिया गया है लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्रोग्रेसिव रेट के ग्रोथ और लक्ष्य और इंटरवेंशन स्कीम इसके कारण इसकी नेट उपलब्धि हमारी किसानों की आमदनी को दुगुनी करने में मोदी जी की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है इसी तहत आज कैबिनेट ने इतनी बड़ी फैसला लिया है और जो पहले पहले अगर मैं उसको फाइनेंशियल टर्म में हिसाब करूं तेरा चौदह में हमने लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपया की एथेनॉल खरीदा था जो इसी साल बढ़ के नौ हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ रुपया नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड करोड़ जो एश्योरेंस हमको इसी साल मिला है बढ़ के लगभग उन्नीस हजार करोड़ रुपया हो जाएगा ये सीधा सीधा किसानों की जेब में जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी होगी और हमारे देश आत्मनिर्भर होगा पारादीप बंदरगाह के संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ तो मनसुख जी जी सभी को नमस्कार पारादीप पोर्ट में एक वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने तीन हजार करोड़ रुपीज़ का खर्च करके एक आधुनिक और विश्व स्तरीय बंदरगाह निर्माण करने के लिए फैसला लिया है मोदी गवर्नमेंट टोकन नहीं टोटल सोचती है और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ निर्णय लिया जाता है मोदी जी ने एक बार कहा था कि पश्चिम क्षेत्र के साथ पूर्वी क्षेत्र या राज्यों का भी विकास होना चाहिए ये विषय को चरितार्थ करने के लिए पूर्वी भारत में पारादीप एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और पारादीप में आज 112 से 115 लाख मैट्रिक मिलियन टन कार्गो वहाँ मूवमेंट होता है लेकिन पारादीप और कलकत्ता एक ऐसा क्लस्टर है जहाँ मिनरल रिच है स्टील इंडस्ट्रीज है कोयला रिच है ये सब स्थिति को देखते हुए अगले दिनों में दो तक फ्यूचरिस्टिक हम जब प्लानिंग करते हैं सोचते हैं तो आज एक क्लस्टर में 210 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो आज के दिन में है वो 10 साल में 400 से 420 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो होना है आज दुनिया में दुनिया में बिजनेस एक्जिम, ट्रेड वो कॉम्पिटिटिव है और सभी देश अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट बचाने में लगे हैं सभी शिपिंग लाइन भी अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट बचाने में लगे हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए जब वर्तमान समय में नया शिप का बिल्डिंग हो रहा है नई शिप बन रही है वो कैपेक्स साइज की बन रही है कैपेक्स साइज मतलब बे लाख मैट्रिक टन की क्षमता वाली बड़ी वेसल्स क्योंकि बड़ी वेसल्स हो शिप हो तो उसमें कार्गो ज़्यादा मूव हो सके लेकिन ये शिप ऐसी बनने लगी है उसके लिए भारत को तैयार होना है अगले पाँच साल में ये शिप बन के जब सिक्किम शिपिंग लाइन में आएगी और उस वक्त ए शिप को हैंडल करने के लिए हमारे पास ए साइज का बड़ा बंदरगाह चाहिए पाराद्वीप में अगले दिनों में ये स्थिति को देखते हुए पारादीप में एक वेस्टर्न डोप के माध्यम से पच्चीस ट्वेंटी फाइव मिलियन मेट्रिक टन कार्गो के क्षमता वाला है एटीन मीटर ड्राफ्ट वाला एक डॉक बनाने जा रहे हैं तीन हजार करोड़ खर्च से बनने वाले इस डॉक में कैप वेसल्स आ पाएगी कैप वेसल्स आएगी जो आज के दिन में देश में डीप ड्राफ्ट इतनी बड़ी वेसल्स नहीं आ सकती है तो क्या करना पड़ता है शिप को दूर खड़ी रखनी पड़ती है वहाँ से बारजिस के माध्यम से मिनरल्स समुद्र तट तक बंदरगाह तक लाया जाता है वहाँ से इंटरलैंड तक भेजा जाता है इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और पारादीप में जो फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी है उसको एनकेस करने के लिए ये जब डॉग बनेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा है मोदी जी के विचारों को उससे चरितार्थ होना है कि ईस्टर्न कॉस्ट ईस्टर्न पार्ट मतलब पारादीप, ये पूर्वोदय का द्वीप बनेगा इस तरह से एक फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ आज मोदी जी ने मोदी गवर्नमेंट ने इस प्लान को स्वीकृति दी है कई ऐसे नए इनिशिएटिव इस मिनिस्ट्री के माध्यम से लिया जा रहा है आज के दिन में देश में सैंड कंस्ट्रक्शन के लिए फिलिंग के लिए सैंड का उपयोग किया जाता है मोदी जी ने कहा था कि वेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं क्या वेस्ट मटेरियल का बेस्ट मटेरियल के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्या समुद्र में जब ड्रेजिंग होता है तो ड्रेजिंग जहाँ से ड्रेजिंग हो वहाँ से 16 नॉटिकल माइल दूर ये ड्रेज मटेरियल फेंक दिया जाता है मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने ये निर्णय लिया कि ये ड्रेजिंग मटेरियल दुनिया में प्रैक्टिस है कि ड्रेजिंग मटेरियल को रिसाइकल करके री किया जाए ये ड्रेजिंग मटेरियल को समुद्र तट पर ला उसको रिसाइकल करके उसका उपयोग करना मिनिस्ट्री ने बंदरगाहों ने शुरू कर दिया है ए एफ ए, एफर्ट लास्ट साल से लिया गया है आज मुझे कहते हुए खुशी हुई हो रही है कि 86 सिक्स करोड़ रुपीस का डेजिंग का वेस्ट मटेरियल बेचा जा बेचा बेच चुके हैं हम अगले दिनों में उसको आगे बढ़ाते हुए परमानेंट मेरे यहाँ एक हज़ार करोड़ जैसी कॉस्ट से मेंटेनेंस ड्रेजिंग होता है ये मेंटेनेंस डेजिंग का मटेरियल बेच के भी एक इनकम खड़ी करके हमारा बंदरगाह कौन सस्टेन करेंगे बंदरगाह के पास इनकम होगी तो कार्गो कम रेट से हैंडल करेंगे कार्गो कम रेट से हैंडल करेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट और कार्गो मूवमेंट्स का खर्च और बंदरगाह से कार्गो पर लगने वाला चार्ज कम होगा तो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे मोदी जी के नेतृत्व में वेस्ट से बेस्ट की ओर जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप डेवलप हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में ईस्टर्न कॉस्ट पूर्वी भारत का उदय हो रहा है और सारा देश एक साथ में आगे बढ़े प्रगति करे इस दिशा में ये लिया गया निर्णय है और इस निर्णय से हजारों और लाखों लोगों को रोजगारी का अवसर भी प्राप्त होगा धन्यवाद सर फ्रेंड्स नो वी कैन टेक योर क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन धर्मेंद्र जी से क्वेश्चन है सर ये जो एथेनॉल के लिए आप जो प्लान है आपका जिस सवाल ये है कि इससे क्या सरकार इसमें इंटरेस्ट लेगी कि इससे मीडियम और स्मॉल लेवल यूनिट्स भी सेटअप करे और उस सरकार यूथ को हमारे देश के यूथ को भी मदद करे सहयोग करे ताकि उनसे एम्प्लॉयमेंट भी दूर हो मतलब एम्प्लॉयमेंट की समस्या भी उससे क, दूर हो और वो नया प्लांट छोटा प्लांट लगा के भी इथेनॉल प्रोड्यूस कर पाए क्योंकि इथेनॉल जो है वो मोलेसिस का ही बाय प्रोडक्ट है और साथ में सिर्फ इथेनॉल ही नहीं ग्यारह बारह और भी बाय प्रोडक्ट साथ में निकलते हैं तो एक बहुत ही ये फिजबल एक वो, वो रहेगी ये मूलतः स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में ही सीमित रहेगी और दूसरी सिर्फ मोलासिस शुगर बेस मोलासेस नहीं हम लोग आगे जाके उसको अभी तो हम लोगों ने राइस और मेस इस दो को रॉ मेटेरियल करके यूज़ करेंगे आगे चल के हुईट बार्ले स्वीट गम ये सारे में भी होगा और आज जो स्कीम हम लोगों ने इन्विजन कर पा रहे हैं ये मीडियम टर्म और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते ही कर रहे हैं इसलिए मैंने पूछा पूछाज को एडवांटेज है जो डिस्टिलरीज हैं वो मुलासिज से शराब बनाती हैं और साथ में इसी उनका ये बाय प्रोडक्ट बनाने का भी उनके पास ये सहयोग रहता है तो सेपरेटली जो डिस्टिलरी नहीं है यानी कि के केमिकल अल्कोहल बनाने की जो सुविधा जिसको हो जाए दोनों को ही उसमें प्रोविजन रखा है प्रेस नोट में विस्तार से कहा गया है स्टैंड भी कहा है एग्जिस्टिंग डिस्टिलरी को भी कहा है

उसके लिए डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है सफलता से चल रही है और जो हमारे सी फेयर है वो नज़दीक के दिनों में इंडिया वापस आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर नाइन शिपिंग मंत्री जी से हमारा सवाल है कि जो पोर्ट के पास रीसाइक्लिंग जो है उसकी कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं जिससे रीसाइक्लिंग होगी उसके लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है बहुत कम कीमत में छोटी सी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से रिसाइकलिंग करना मतलब साफ़ करना उसको जो सॉल्ट वाटर से आता है उसको बाहर के जो वाटर है उस वाटर से साफ किया जाता है और बाद में उसका यूज़ किया जाता है दुनिया में ये प्रैक्टिस है और यहाँ एक कई लोगों ने शुरू कर दिया है रिवराइन पोर्ट है वहाँ ये भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि रिवर में जो पानी होता है वो सोल्ट नहीं होता है तो वैसे ही वहां से निकाल के उसको बेचा जाता जा सकता है धन्यवाद सर थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स थैंक यू और पाँच साल में फेज टू का, का काम पूरा हो जाएगा फेज वन का काम पूरा होने से तेरह लाख मेट्रिक टन कार्गो मूवमेंट की क्षमता प्राप्त हो जाएगी और फेज टू पूरा हो जाने के बाद ट्वेंटी फाइव लैक्स मेट्रिक टन कार्गो मूवमेंट की क्षमता हो जाएगी थैंक यू थैंक यू वेरी मच